नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। रिजल्ट आने का दौर शुरू हो चुका है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बच्चा परीक्षा में अव्वल आए, खासकर बोर्ड परीक्षा में। ये इच्छा असल में बच्चे के सुनहरे भविष्य के सपने से जुड़ी होती है। इस सपने का होना बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन कई बार ये सपना पद, पैसा और रुतबा पाने जैसी महत्वाकांक्षी रूप ले लेता है। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के समय स्थिति कुछ ज्यादा ही नाजुक हो जाती है, क्योंकि ये वो मोड़ होता है जहां से बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए एक दिशा मिलती है। ये हालात कई बार कुछ परिवारों में एक तनाव का माहौल बना देते हैं। बच्चे और माता पिता सब पर ये तनाव हावी हो जाता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि क्या वाकई इस तनाव की जरूरत है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिजल्ट नो टेंशन प्लीज। तो पहले एग्जामिनेशन एंग्जाइटी और अब परीक्षा नतीजों का डर। पिछले कुछ समय से स्टूडेंट्स पर तनाव हावी रहा है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों के नतीजों को लेकर विद्यार्थी की जो दिलों की धड़कनें हैं वो भी तेज हो गई हैं। और फिर जब रिजल्ट आता है तो कुछ के लिए सुकून भरा होता है रिजल्ट, लेकिन उसके पहले ये तय मंजिल की ओर चलने का रास्ता खुल जाता है। यानी कि जिसके लिए रिजल्ट अच्छे होते हैं उनके लिए रास्ता जरूर खुलता है, लेकिन जिन कुछ बच्चों की परीक्षा का परिणाम उनकी उम्मीदें तोड़ने वाला होता है, खासतौर पर माता पिता की उम्मीदें, ऐसे में देखा जाता है कि अधिकतर परिवारों में माता पिता और भाई बहन तक खराब रिजल्ट लाने वाले बच्चे की ओर मुखातिब होते हैं शिकायतों का पिटारा लेकर। जबकि ऐसी स्थिति में जरूरत होती है कोई तो कि उसके कंधे पर, यानी कि बच्चे के कंधे पर कोई हाथ रखे, उसके साथ खड़ा हो और कहे कि कोई भी रिजल्ट जिंदगी से बड़ा नहीं होता। तो हम उन बच्चों और उनके माता पिता के लिए जरूरी टिप्स लेकर आए हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है या फिर आने वाला है। तो हम टेंशन दूर भगाने के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मिलवाते हैं आईसीएसई 12वीं की परीक्षा में देश भर में तीसरे नंबर पर और झारखंड में पहले नंबर पर आने वाली सिमरन से। सिमरन से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता संतोष ने। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने घर का ही नहीं, राज्य का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। ये हैं सिमरन केजरीवाल, जिन्होंने 12th की परीक्षा में, आईसीएसई की परीक्षा में 99.25% लेके देश में तीसरा रैंक। सबसे पहले कैसे जानकारी मिली और ढेर सारी बधाइयां पहले तो आपको। थैंक यू। मुझे जानकारी नेट से मिली, इंटरनेट से, UID टाइप कर। हाँ। मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, फिर मैंने अपने टीचर से कहा कि वो चेक करे। मेरे तो हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए थे, मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी मेहनत मुझे इस मुकाम तक पहुँचा देगी। सिमरन, आप धनबाद जैसे शहर से हो, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से नहीं है, पढ़ाई का वो जैसा माहौल बड़े शहरों में होता है वैसा नहीं है, उसके बावजूद आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक चाय वाले थे, वो जब इतनी अच्छी मुकाम पर पहुँच सकते हैं तो मैं उनके सामने फिर क्या हूँ। तो मैं उन्हीं, वही मेरे आदर्श हैं अभी फ़िलहाल, तो मैं बस उन्हीं के मार्ग पर चलना चाहती हूँ कि अगर व्यक्ति में जुनून हो और वो उसमें मेहनत करने का सामर्थ्य हो तो वो कुछ भी कर सकता है। सिमरन, धनबाद के आप कार्मेल स्कूल में पढ़ाई की, वहाँ का भी रिजल्ट अच्छा रहा, कितना कंट्रीब्यूशन आप स्कूल का देती हैं, क्या मानती हैं आपकी स्कूल की भी जो भूमिका होती है अच्छा रिजल्ट करने में काफ़ी अहम होता है? जी बिल्कुल, बिना स्कूल और शिक्षक के तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इनके बिना मैं इस मुकाम तक पहुँच ही नहीं सकती थी। ये मेरे प्रेरणा स्रोत है और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो मेरा मनोबल बढ़ाने में इन्होंने हमेशा मुझे सहायता किया और उन्होंने हमेशा कहा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि सिमरन तुम में वो काबिलियत है, तुम कुछ कर सकती हो। किसने सबसे पहले, किस तरीके से घर में क्या रिएक्शन था जब आपने इतना अच्छा स्कोर किया, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, आज पड़ोस में दोस्तों का क्या रिएक्शन था, टीचर्स का क्या? मैंने तो लैपटॉप ही बंद कर दिया था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा रिजल्ट है। मैं मेहनत करती हूँ, मुझे विश्वास था कि अच्छा होगा, बट इस मुकाम तक पहुँचेगा मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मतलब मेरे लिए ये एक सपना था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो रही हूँ और एक अच्छा सा सपना देख रही हूँ, अभी मुझे कोई आके जगा देगा।
और मुझे सबसे पहले मम्मी पापा ने बधाई दिया, पूरे परिवार वालों ने मुझे बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं दी, मेरे शिक्षक ने, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद फिर मिठाइयों का दौर शुरू हो गया होगा, फिर मिठाइयाँ भी बांटी गई थी कल जी, मुझे ही खिलाई गई सारी मिठाइयाँ। खूब मिठाई खाई आपने। यस। तो आगे अब सिमरन क्या बनना चाहेंगी, आगे की तरफ क्या सोचती हैं कि सिमरन जो चाह रही हैं वो करेंगी, या पेरेंट्स का भी कुछ की इच्छाएं हैं कि ये करना चाहिए हमारी? पहली बात तो मेरे पेरेंट्स का कभी भी मुझ पर दबाव नहीं रहा, उन्होंने कहा तुम खुश रहो, तुम जो करना चाहती वो करो, तुम्हारे पर कोई दबाव नहीं है, तुम्हारा जो मन है वही करो, और उसी का नतीजा है यही कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे पर दबाव नहीं दिया, मेरे परिवार वालों ने, मेरे शिक्षकों ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा तुमको यही करना है या इतना ही लाना है, और इसी का नतीजा है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ, क्योंकि टेंशन फ्री रहकर मैंने पढ़ाई किया। तो हिंदुस्तान की थर्ड टॉपर सिमरन केजरीवाल क्या करना चाहेंगी ट्वेल्थ के बाद आगे? मैं पहले सीए की पढ़ाई करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपने परिवार और दादाजी और पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ आईएएस बनकर। तो ये थी सिमरन की सफलता की कहानी, इसीलिए हम कह रहे हैं रिजल्ट जरूर आ रहे हैं लेकिन नो टेंशन प्लीज, और एक एक करके आपको बताएंगे हम कि किस तरह से आप रिजल्ट जब आ रहे हैं तो भी नियंत्रण रख सकते, क्योंकि जाहिर तौर पर टेंशन बहुत है, लेकिन हम यही कह रहे हैं नो टेंशन प्लीज़। जो स्टूडेंट्स हैं अच्छे मार्क्स ला रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको बधाइयाँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स अगर कम मार्क्स भी लाते हैं तो अपने आप पर, खुद पर आत्मविश्वास रखने की ज़रूरत है, खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है, नकारात्मकता की जगह बिल्कुल नहीं है आपके जीवन में, सकारात्मक सोचे, पॉजिटिव सोच रखें, सकारात्मक सोच के साथ कॉम्पिटिशन की आप तैयारी करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, पेरेंट्स भी बच्चों पर प्रेशर डालने की बजाय उनका साथ दे। कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम आए तो बच्चों के साथ रहे, बच्चों को किसी भी तरह के तनाव से दूर रखने की अभिभावक पूरी कोशिश करनी चाहिए उनको, वहीं अभिभावक हर हाल में अपने बच्चों के साथ खड़े रहे, रिजल्ट अच्छा ना आने पर डांटने की बजाय बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, यानी कि रिजल्ट्स आ रहे हैं कि करके किसी के रिजल्ट्स जो है वो अच्छे होंगे, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, किसी के परिणाम बुरे भी आ सकते हैं, ऐसे में बच्चों के साथ खड़ा रहने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। स्पोर्ट्स और कंप्यूटर कोर्स से भी मिल सकते हैं बच्चों को सुनहरे अवसर। जी हाँ, अगर रिजल्ट सपोज के अच्छे नहीं आते हैं स्टूडेंट्स के तो और भी कई सारे ऑप्शंस है बच्चों के लिए, फॉरेन लैंग्वेज की हम बात करें तो फॉरेन लैंग्वेज भी एक अवसर है, कंप्यूटर कोर्सेज हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट की ओर जो है वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं जिनमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो। एवरेज स्टूडेंट्स अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है लेकिन उनका झुकाव जो है वो दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है। अगर हम आर्टिस्टिक चीज़ों की बात करें, कुछ अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, वो अपने जो भविष्य की तैयारी है उस ओर कर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर रिजल्ट ज़रूर बच्चों के आ रहे हैं लेकिन टेंशन और होना लाजमी भी है, चाहे पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हों, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं नो टेंशन प्लीज़, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, टेंशन आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आखिरी पड़ाव नहीं है ज़िंदगी का, चाहे वो 10वीं के रिजल्ट्स हों चाहे वो 12वीं के रिजल्ट्स हों, आगे एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए आपके पास कई सारे विकल्प खुले हैं, और ख़ास करके जो बच्चों के अभिभावक हैं उनके लिए ये मैसेज बार बार हम दे रहे हैं कि टेंशन ना ले और इसके साथ ही अपने बच्चों को सपोर्ट करने की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ हम बार बार कह रहे हैं नो टेंशन प्लीज, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो और भी आपको बताएंगे कि आप टेंशन बिल्कुल ना ले और क्यों ना ले इसकी वजह भी बताएंगे।
के बाद स्वागत है आपका। तो रिजल्ट आने की शुरुआत हो गई है और हम यहाँ कह रहे हैं नो टेंशन प्लीज, क्योंकि टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं रांची स्टूडियो से। हमारे साथ नीरा यादव जुड़े हैं, झारखंड की शिक्षा मंत्री है, साथ ही साथ स्मिता मनोज जुड़े हैं, काउंसलर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे नीरा मैम, कि शिक्षा मंत्री हैं आप झारखंड की, ऐसे में मैसेज क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि रिजल्ट आने की शुरुआत हो गई है और हम यहाँ पर जी पुरवैया पर कह रहे हैं कि नो टेंशन प्लीज। जरूर जी, हम कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि आपका रिजल्ट जैसा भी आता है आप नर्वस ना हो, क्योंकि असफलता ही सफलता की जननी है। बिल्कुल, ये हमारा आखिरी पड़ाव नहीं होता है, हमें बस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। हमें उस बहती हुई नदी को देखना चाहिए जो कि जितना भी बाधा आए लेकिन उसे तोड़ करके आगे बढ़ती जाती है। लेकिन मैं स्टूडेंट से पहले अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप बच्चों का हौसला बढ़ाएं कि वो कुछ गलत ना करें, क्योंकि हमारा एक रास्ता बंद होने से चार दरवाजे खुल जाते हैं। हमें बस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, तो आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और छोटी मोटी बाधाओं से कुछ नहीं होता। और टेंथ और ट्वेल्थ के रिजल्ट्स को भी आप बिल्कुल ऐसा ही समझें और ज़िंदगी आगे है और आप बहुत कुछ बेहतर ज़िंदगी में कर सकते हैं, जैसा कि हम भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। नीरा जी, एक और बात यहाँ पर कि झारखंड की हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ पर जो छात्र हैं ज़ाहिर तौर पर टेंथ या ट्वेल्थ की परीक्षाएँ देंगे, फिर बाहर जाएंगे कहीं और पढ़ने के लिए, वहाँ पर थोड़े से जब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है तो उनमें थोड़ा ये भाव आ जाता है कि काश हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो और अच्छी होती और पुख्ता होती। आपको लगता है इतफाक रखती है इस बात से आप? हाँ बिल्कुल सत्य है ये बात, और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि कैसे उनको अच्छी व्यवस्था हम दे सकें। कमियां हैं हमारे विभाग में लेकिन एकाएक उसे हम दूर नहीं कर सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं और हम कृतसंकल्पी हैं कि हम बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था कर सकें, और अभिभावकों को भी हम आश्वस्त करना चाहेंगे अभी हमारी जो प्रयास चल रहे हैं ये बच्चों को बहुत कुछ देने वाला है और हम बच्चों को आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। ठीक है नीरा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी जो होती है वो बच्चों के लिए वो है शिक्षक। ऐसे में शिक्षकों की हम बात करें वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों के जीवन में। झारखंड के शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों के रोल पर थोड़ा फोकस कर पाएंगे आप? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों की कमी है हमारे यहाँ और उसे दूर करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षकों की कमी होगी तो हमारा क्वालिटी एजुकेशन जो करना हम चाह रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। दूसरी बात है कि अभी हम बहुत कुछ चाह करके भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बुनियादी सुविधाएँ भी बहुत सारे स्कूलों में नहीं है, जिसके कारण बच्चों का झुकाव उधर नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान हम धीरे धीरे करके निकालते जा रहे हैं, और इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से बनाने के लिए हम शिक्षकों को जो गैर शैक्षणिक कार्यों में उन्हें लगा दिया जाता था, उन्हें बिल्डिंग बनाने में, मध्याह्न भोजन में इन्वॉल्व किया जाता था, उससे हम उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हमें धीरे धीरे सफलता मिल रही है। ठीक है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो है उसको ज़रूर करने की ज़रूरत है, चाहे वो हम बिहार की बात करें या फिर झारखंड की बात करें। नीरा जी, जाते जाते क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है, आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े हैं, इसलिए जाते जाते कोई और मैसेज जो आप अभिभावकों को या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे बच्चों को और अभिभावकों से भी ये हम साग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चों को आगे बढ़ाने में आप मदद करें। और मैं सारे स्टूडेंट के लिए दो लाइन कहना चाहूँगी कि अभी हमसे ये ना पूछो कि मंजिलें कहाँ हैं, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। बिल्कुल, ना हारी हूँ ना हारूंगी कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है।
खुद से वादा किया है। बिल्कुल, तो हारने की जरूरत नहीं है और जिंदगी में बहुत कुछ आपको अचीव करना है, ये मैसेज हम भी दे रहे हैं और साथ ही साथ ये मैसेज जो है वो झारखंड की शिक्षा मंत्री भी दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नीरा यादव हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब रांची स्टूडियो में ही हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ी हुई है, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ करियर काउंसिलर हैं स्मिता जी, हैं उनसे बात करेंगे। स्मिता जी, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार हम यही कह रहे हैं कि रिजल्ट्स के आने का दौर जरूर शुरू हो गया है, ऐसे में जो बच्चे हैं चाहे पेरेंट्स हों तो उनका जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं नो टेंशन प्लीज, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा किया उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, और दूसरा जिन्होंने बहुत अच्छा नहीं भी किया उनको ये कहूंगी कि आगे के लिए ढेरों शुभकामनाएं। दूसरा ये मेरा कहना है कि टेंशन ना लें, जो आपने किया है वो अभी आपका रिजल्ट आएगा और ये अंत नहीं है, ये एक बैरियर है जिसको सिर्फ आप क्रॉस कर रहे हैं। अभी आगे आप अपने पसंद के लाइन को चुनिए, उसको अपना करियर बनाइए, आगे जाइए, अभी बहुत दूर जा सकते हैं। सारे बच्चे में इतना पोटेंशियल है, आज के डेट में सारे बच्चे इतने कैपेबल हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। टेंथ और ट्वेल्थ सिर्फ एक बैरियर है जिसको क्रॉस करना होता है। अब आप अपने पसंद के करियर को ऑप्ट करें और बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अभी और भी रिजल्ट्स आने भी हैं, आईसीएसई के रिजल्ट्स आ गए हैं, सीबीएसई के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं काफी टेंशन भी ले रहे हैं। हम ऐसा मान के ही चल सकते हैं स्मिता जी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो टॉपर्स होंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एवरेज परफॉर्म करेंगे, बिलो एवरेज परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इस घड़ी में वो किसका है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं, उनको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर घर में बनाना चाहिए। देखिए एग्जाम तो ऑलरेडी हो चुका, वो बच्चे क्या लिखे हैं वो ऑलरेडी वहाँ डिसाइडेड है, वो रिजल्ट हमारे पास आएगा, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को अभी से मोटिवेट करे कि इनकेस तुम्हारा रिजल्ट खराब भी होता है तो उसको लेके मतलब हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अब भी और भी आगे है, बस जो हो गया सो हो गया, अब इससे निकलो। अब भी पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को कन्विंस करें कि कुछ भी हो जाए कोई भी नेगेटिव स्टेप नहीं लेना है। बिल्कुल, नेगेटिव स्टेप वाली बात जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, खास करके हम बिहार झारखंड के स्टूडेंट्स की जब बात करते हैं तो, और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट विषय है शायद, इसीलिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ रांची से अभी भी मौजूद हैं शिक्षा मंत्री जो हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। स्मिता जी आपके पास आना चाहेंगे, खुद नीरा यादव भी जुड़ी थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है और ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती है, कई ऐसे पड़ाव हैं जो बच्चों को छात्रों को पास करने की ज़रूरत है, पार करने की जरूरत है। ऐसे में जो नेगेटिव आपने कहा, कई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी स्टूडेंट्स जो है वो अपने अंदर भर लेते हैं, चाहे स्कूल हो, फ्रेंड्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, तमाम जगहों से उनको बहुत कुछ सुनने को मिलता है और कई बार ये नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी तक खत्म कर लेते हैं। जी ये इस हेलो जी आप जी ये इसलिए होता है क्योंकि आज हेलो जी स्मिता जी आपकी आवाज आ रही है हम तक, बोलिए। हाँ जी, मेरा ये कहना है ना कि कंपैरिजन सबसे बड़ी वजह होती है किसी बच्चे के अंदर में नर्वसनेस क्रिएट करने के लिए। कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस, मेरा ये मानना है। ना पेरेंट्स को, ना टीचर्स को और ना ही स्टूडेंट्स को कभी खुद को किसी और से कंपेयर करना चाहिए। सब बच्चों के अंदर भगवान ने कुछ गुण दिया है, जरूरी नहीं है कि सब आईएएस आईपीएस ही बने। आपका जो अपना शौक है, आप एक बार टेंथ कर लीजिए, ट्वेल्थ कर लीजिए, फिर आप अपने शौक के तरफ बढ़िए। और खास करके स्मिता जी अगर अभी की हम बात करें, बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स जो है वो टेंथ ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ के बाद स्पेशली चुन सकते हैं, ऐसे में उनको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। और पहले ये हुआ करता था कि या तो इंजीनियरिंग में जाएंगे जो हमारे घर के बच्चे हैं, या तो मेडिकल में जाएंगे, लेकिन अब ये चीज़ नहीं है, ये बैरियर्स जो हैं कुछ सालों में टूट गए हैं। ऐसे में जो अभिभावक हैं उनको स्ट्रेट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए?
मेरा ये कहना है अभिभावक को, जितने भी पेरेंट्स हैं, कि सबसे पहले वो अपने बच्चे के फ्रेंड बने, आपके बीच का जो गैप है उस गैप को खत्म करें, बच्चे को स्पेस दे कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। आप हर समय अपना चीज उनके ऊपर मत डालिए, उनको भी एक्सप्रेस करने दीजिए कि वो क्या चाहते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आज के डेट में फैशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, अब रांची जैसे जगह में, लेकिन फिर भी उनको डर रहता है कि नहीं मम्मी पापा मना करेंगे। मेरा वैसे पेरेंट्स को कहना है कि अरे वो टेंथ कर ले, उन ट्वेल्थ कर ले, मान लीजिए सेकेंड डिवीजन भी लाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका फील्ड है वो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, उनको जाने दीजिए, वो वहां पे एक्सेल करेगी। बिल्कुल स्मिता जी, एक और बात, हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, नेगेटिविटी की बात करते हैं, पॉजिटिविटी किस हद तक एक स्टूडेंट पे होनी चाहिए, एक छात्र में या फिर आम जीवन में होनी चाहिए कि नेगेटिविटी के लिए कोई जगह ना हो? जी, अगर कोई भी स्टूडेंट ना, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, इनफैक्ट साथ में पेरेंट्स भी, वो अगर पॉजिटिव हैं तो वो अपने बच्चे को बहुत हेल्प करेंगे। और सबसे ज्यादा जो मेरा मानना है कि बच्चा अगर पॉजिटिव होता है ना, तो वो मतलब हर एक हर्डल्स को ओवरकम कर लेता है, और अगर उसमें जरा सा भी नेगेटिविटी आता है तो वो चाहते हुए भी उस काम को नहीं कर पाता है। उसको लगता है नहीं, मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे पेरेंट्स कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, मेरे टीचर्स कहते हैं कि तुम बेकार हो, तुम्हारे बस का ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि हर बच्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हर बच्चा कर सकता है, हर कोई एक परफॉर्मर हो सकता है, और कोई भी रिजल्ट जिंदगी से बड़ा रिजल्ट नहीं होता है, ये समझने की ज़रूरत है जो छात्र हैं उनको भी और जो अभिभावक हैं उनको भी, क्योंकि प्रेशर हाई होता जा रहा है, रिजल्ट्स के आने का दौर शुरू हो गया है, रिजल्ट्स आने वाले भी हैं, जैसे CBSE के रिजल्ट्स आने हैं और भी रिजल्ट्स आने हैं, ऐसे में टेंशन ज़्यादा है, लेकिन हम यही कह रहे हैं नो टेंशन प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्मिता मनोज, हमारे साथ हमारे रांची स्टूडियो से जुड़ी, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो आपको मिलवाएंगे स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से।